क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन अकाउंटेंसी दैट इज जर्नल. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द अकाउंटिंग प्रोसेस इन विच द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वी प्रिपेयर्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट वी प्रिपेयर्ड इज जर्नल. जर्नल बनाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एंड सो ऑन. हमारी कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट हम आगे प्रिपेयर करते हैं, तो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए जो बेस है वो हमारे लिए क्या है, जर्नल. सो जर्नल अगर किसी को आता होगा तभी वो आगे जो है फर्दर अपने बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं. सो पहले सीखते हैं कि जर्नल का मतलब क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं और कैसे हम इसमें जो एंट्री है वो पास आउट करते हैं. मीनिंग ऑफ जर्नल. जर्नल इज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज इन द ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड. जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट, जो सबसे पहले, और इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं. जर्नल हमारी वो वाली पहली बुक है या हमारी वो वाली ओरिजिनल बुक है जिसमें हम जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको फर्स्ट टाइम पहली बार रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं. अब प्रॉपर सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च. क्लियर? जैसे इस साल हमारा 1 अप्रैल 2020 में हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2021. अब हम क्या करेंगे, पहले अप्रैल की मंथ की ट्रांजेक्शंस लिखेंगे, देन मई की लिखेंगे, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हम इन मंथ्स को आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमारा अप्रैल ही आएगा, फिर मई ही आएगा, फिर जून ही आएगा. सो आपको एक सीक्वेंस में जो ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. सो जर्नल हमारी वो वाली बुक है, हमारी पहली बुक होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, या आप कह सकते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं. देन इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ जर्नल. सबसे पहला पॉइंट क्या है, डे टू डे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जैसे हमने पहले स्टडी किया कि जर्नल में हम डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आप डेट वाइज, जैसे पहले 1 अप्रैल की रिकॉर्ड की, फिर 2 अप्रैल की, देन 3 अप्रैल की, देन 4 अप्रैल की, डे वाइज हम उसको एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और एक क्रोनोलॉजिकल, एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसको रिकॉर्ड करेंगे. सेकेंड, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिटन बिफोर दे आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट. अब सभी को पता है कि पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं. सो लेजर बनाने के लिए आपके पास जर्नल जरूर होना चाहिए. लेजर के लिए क्या बेस होता है, हमारा जर्नल. सो अगर हम जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे फिर ही हम जो है लेजर को प्रिपेयर कर सकते हैं. डायरेक्ट हम अगर सोचे कि हम लेजर बना लें, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो जर्नल के, जर्नल बनाओगे तभी आपका जो लेजर है वो बन पाएगा. सो यहाँ लिखा गया है कि जर्नल बनाने से पहले हम कहाँ एंट्री पास करते हैं, लेजर बनाने से पहले हम कहाँ एंट्री पास करते हैं, अपने जर्नल में. इसलिए हम जर्नल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक और ओरिजिनल एंट्री बुक. थर्ड इज इट रिकॉर्ड बोथ आस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. हमने पढ़ा है कि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं. डबल का मतलब होता है दो, टू. हम हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट देखेंगे. जैसे मैंने किससे खरीदा, उसने मुझे कितने का दिया, क्या मेरे पास आया, क्या मेरा गया, तो ये सब कुछ मैं हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट को स्टडी करती हूँ. जब मैं दोनों एस्पेक्ट, एक डेबिट और क्रेडिट को स्टडी करूंगी और उसको नोट करूंगी, तो मतलब मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, जर्नल. जर्नल में मैं बोथ डेबिट और क्रेडिट को नोट करती हूँ, ये हम आगे सीखेंगे. देन लास्ट पॉइंट इज द फॉर्म इन विच द जर्नल इज रिकॉर्डेड इज नोन एज जर्नल एंट्री. जब जर्नल के फॉर्मेट में
उसकी बुक में जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगी, जो मैं लिखूंगी उसको मैं क्या बोल दूंगी, जर्नल एंट्री। जब भी कोई ट्रांजेक्शन मैंने वहां लिख दी तो मतलब वो क्या बन गई, जर्नल एंट्री, क्योंकि इसको जर्नल में लिखा गया है इसलिए हम इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। सो दिस वॉज अबाउट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। देन इट इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ किया है। ऊपर मैंने हेडिंग दे दी है जर्नल, पहला कॉलम है डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर्स, देन इट इज LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इसमें कॉलम आ रहा है डेट का। इन दिस कॉलम द ट्रांजेक्शन इज रिटर्न, ट्रांजेक्शन डेट इज रिटर्न। तो हमने अभी स्टडी किया कि जिस दिन कोई ट्रांजेक्शन हैपन होगी आपको वो वाली तारीख जो है इसमें लिखनी पड़ेगी, जो सी डेट का वो हुई है आपको वो डेट जो है यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर्स, बोथ आस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रिटर्न, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी ट्रांजेक्शन हमने की है उसका दोनों आस्पेक्ट आपको नोट करना पड़ेगा अंडर पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स हमारा मेन पार्ट है जहां हम एंट्री को लिखते हैं। नरेशन, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो रिटन आफ्टर द एंट्री। जब यहाँ हम डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे इसके बाद हम एक छोटी सी नरेशन लिखेंगे, एक छोटी सी लाइन लिखेंगे जो हमारी एंट्री को जस्टिफाई करेगी कि हमने एक्चुअल में क्या पास आउट किया है, कौन सी एंट्री लिखी है। हम आगे सीखेंगे कि कैसे ये हम करते हैं। देन इट इज लेजर फोलियो, जो हमने LF यहाँ पढ़ा, लेजर फोलियो इसको बोला जाता है। द नंबर ऑफ लेजर पेज इज रिटन टू विच डेबिट एंड क्रेडिट आस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड। अब इसका क्या मतलब होता है कि ऐसे कंपनी में तो बहुत ज्यादा लेजर अकाउंट बन जाते हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस, सेल, जितने भी डेटर्स होंगे सबके अकाउंट्स होंगे, जितने भी क्रेडिटर्स होंगे सबके अकाउंट्स होंगे, जितने खर्चे हैं सबके अकाउंट होंगे, जितनी इनकम्स हैं सबके अकाउंट्स होंगे, ऐसे बहुत ज्यादा अकाउंट जो है वो बन जाते हैं। तो अब जब लेजर की बुक में हमें ढूंढना पड़े वो उसका अकाउंट, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, हम तो पेज ही शफल करते रह जाएंगे। इसलिए हमने हर एक लेजर अकाउंट को एक पेज नंबर दिया होता है। जैसे कैश अकाउंट को मैंने पेज नंबर दे दिया 1, परचेजेस को बोल दिया पेज नंबर 2। सो जब भी यहां मैं एंट्री पास करूंगी तो उसके आगे मैं पेज नंबर मेंशन कर दूंगी कि डायरेक्टली जब जर्नल बनाया इसके बाद मुझे लेजर में जब एंट्री डालनी पड़ेगी मैं पेज नंबर देखूंगी, लेजर की बुक में वो वाला पेज नंबर खोलूंगी और डायरेक्ट वहां जाके लिख दूंगी। इसलिए जर्नल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेजर यहां से बनाना इजी होगा अगर हमने यहाँ जो पेज नंबर है वो लिखे होंगे। बट जो हमने ये सीखना है उसमें हमारे पास पेज नंबर का कोई हमने यहाँ नहीं लिखना क्योंकि हमें क्वेश्चंस में मेंशन ही नहीं होगा। बट ये उस कंपनी के लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है जो बड़ी कंपनीज है और जहां ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। सो लेजर फोलियो का मतलब, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, इसमें हम लेजर का पेज नंबर लिखते हैं। देन इट इज डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। द डेबिटेड अमाउंट इज रिटर्न, द क्रेडिटेड अमाउंट इज रिटर्न। अब जो हमने यहाँ ट्रांजेक्शन लिखी है जो उसका डेबिट अमाउंट होगा उसको हम डेबिट के नीचे लिख देंगे, जो क्रेडिट का अमाउंट होगा उसको हम क्रेडिट के नीचे लिख देंगे, ठीक है। और हमें पता ही डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको वो जो है क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 अप्रैल 2020 की ट्रांजेक्शन है विद ₹1 लाख। मान लो आपके पास ये ट्रांजेक्शन एक गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख 1 अप्रैल 2020। अब जब भी हम एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे हम एक ट्रांजेक्शन में हमेशा दो आस्पेक्ट ढूंढने पड़ेंगे कि इस ट्रांजेक्शन में क्या दो मेन बातें हुई हैं। तो उसका क्या मतलब है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन याद करें तो हमने कैसे सीखा था, उसमें एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, और हमने कहा था कि कैश के साथ बिजनेस शुरू किया तो कैश हमारा बन गया 1 लाख का, लाइबिलिटी हमारी कोई नहीं बनी और कैपिटल भी हमारी क्या बन गई, 1 लाख की। से टोटल कर लिया ये आ गया आपके पास 1 लाख, 0 एंड 1 लाख, और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जस्टिफाई होगी। अब आपने इसमें कौन से दो एस्पेक्ट ढूंढे हैं,
ये दो एस्पेक्ट ढूंढे। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पैसों के साथ बिजनेस को शुरू किया गया। एक मेरे पास आ रहा है कैश। अब पता है जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं जो पैसा हम उसमें लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। दूसरा मेरे पास आ गया कैपिटल। ऐसे आपको हर एक ट्रांजेक्शन में दो मेन बातें ढूंढनी है। जैसे इसमें मैंने ढूंढ लिया कैश और कैपिटल। अब कैश मेरे लिए क्या होता है, एक एसेट। एसेट के ऊपर कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का, पढ़ा हुआ है ना हमने। देन कैपिटल, कैपिटल किसके साथ रिलेटेड है, ऑनर के साथ। ऑनर पर्सन होता है, इसके ऊपर कौन सा अकाउंट लगता है, पर्सनल अकाउंट। कैश एसेट है, एसेट के ऊपर रूल लगता है रियल अकाउंट का। कैपिटल मालिक के साथ रिलेटेड है, ऑनर के साथ रिलेटेड है। ऑनर कोई ना कोई पर्सन, फर्म या कंपनी होगा, जिसके ऊपर कौन सा अकाउंट लगता है, पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। अब हम कह रहे कि हमने पैसों के साथ बिजनेस को शुरू किया। अब पैसा कंपनी में आ रहा है, इन हो रहा है ना, आ रहा है, तो हम रियल अकाउंट में क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई चीज कंपनी में आ रही है तो उसको क्या कर दो, डेबिट। देन कैपिटल, ऑनर, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर द गिवर। मालिक ने कंपनी को पैसा दिया या मालिक ने पैसों के साथ बिजनेस शुरू किया, तो मालिक ने दिया ना कंपनी को पैसा, या मालिक ने कंपनी में पैसा लगाया ना, इज अ गिवर। तो गिवर को हम क्या कर देते होते हैं, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला है, गिवर है, उसको क्या कर दो, क्रेडिट। सो मेन आपने कैश अकाउंट ढूंढा जिसको आपने कर दिया डेबिट, फिर आपने कैपिटल अकाउंट ढूंढा जिसको आपने कर दिया क्रेडिट। सो आपने एक डेबिट ढूंढ लिया, आपने एक क्रेडिट ढूंढ लिया। अब इसको हम कैसे नोट करते हैं, अब जैसे हमने यहां जर्नल का फॉर्मेट सीखा था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट ऊपर मैंने लिख दिया जर्नल। यहां मैंने पहला कॉलम बना लिया डेट, देन इट इज पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब मैंने यहां क्या सीखा है, 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है 2020, सो मैंने लिख दिया 2020 1 अप्रैल। और अब डेबिट में क्या हो रहा है, कैश। तो इसको कैसे लिखा जाता है, जो डेबिट में होता है, कैश अकाउंट डेबिट, ये आपको बिल्कुल आज तक ले जाना। फिर जो सेकंड है क्रेडिट में, डेबिट मैंने लिख लिया। अब जो क्रेडिट लिखना है उसको मैं कहां से शुरू करती हूं, हमेशा टू से। इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं शुरू करना, आपने इसको थोड़ा मिड से शुरू करना है, टू, ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए कि डेबिट में क्या लिखा है, क्रेडिट में क्या लिखा है। जब भी आप क्रेडिट शुरू करेंगे तो उसको टू से शुरू करना है। और क्रेडिट में मैंने क्या लिखा, कैपिटल। सो यह मैंने लिख लिया टू कैपिटल अकाउंट। अब कितनों के साथ बिजनेस शुरू किया था, 1 लाख। सो कैश भी कितना आ गया, 1 लाख। ये डेबिट था तो मैंने डेबिट के सामने लिख दिया। ये टू वाला क्रेडिट होता है तो बिल्कुल मैंने इसके क्रेडिट के सामने लिख दिया 1 लाख। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, 1 लाख 1 लाख दोनों आपस में इक्वल हैं। अब नरेशन लिखनी है, तो नरेशन हमेशा मैं ब्रैकेट से शुरू करती हूँ। और जब भी नरेशन लिखनी है तो पहला वर्ड आपको लिखना पड़ेगा बींग, दिस इज द रूल। बींग कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको मैंने क्वेश्चन में गिवन है, इसको मैं लिखूंगी। नरेशन हमेशा पास्ट फॉर्म में होती है क्योंकि ये चीज ऑलरेडी कंपनी में हो चुकी है, ट्रांजेक्शन हो चुकी है, इसलिए आपको जब भी नरेशन लिखनी है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी पड़ेगी। सो बींग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ज्यादा बड़ी नरेशन नहीं लिखनी, बिल्कुल सिंपल सी लिखनी है जिससे हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो जस्टिफाई हो सके। लिखने के बाद इसमें आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और ऐसे हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, और जब आपकी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए, एक सिंगल लाइन लगाकर सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में इसको आप बंद कर दें, ताकि पता लग जाए कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो खत्म हो चुकी है। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं।
पहली ट्रांजेक्शन हमने की स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ₹1 लाख के साथ बिजनेस को शुरू किया गया। तो हर एक ट्रांजेक्शन में आपको दो मेन चीजें ढूंढ लेनी है। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम इसका ऐसे इफेक्ट दिखाते थे। तो दो चीजें आपके पास आ जाती है, एक तो कैश, सेकेंड जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं जो पैसा वहां लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब कैश क्या होता है, हमारी एसेट होता है। एसेट के ऊपर कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का रूल लगता है। कैपिटल मालिक के साथ रिलेटेड है, मालिक कोई भी पर्सन कंपनी फर्म हो सकती है जिसके ऊपर पर्सनल अकाउंट लगता है। रियल अकाउंट का रूल होता था डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब हम कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी में पैसा इन हो रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट। वो पैसा किसने दिया, मालिक ने दिया, हिज अ गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट कर दिया जाए, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। फिर जर्नल के फॉर्मेट में जो डेबिट हुआ उसको मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट होता है वो हमेशा टू के साथ होता है, टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट वर्ड यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने टू लिख दिया, टू ही क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। 1 लाख के साथ बिजनेस को शुरू किया था, सो डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट लिख दी, क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट लिख दी। अब जब मैंने ट्रांजेक्शन लिख ली है तो उसके बाद मैंने एक छोटी सी नरेशन लिखनी है, ब्रैकेट में मैं लिखूंगी और स्टार्टेड विद बीइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये अकाउंटिंग इक्वेशन को जो ट्रांजेक्शन थी इसको जस्टिफाई कर दिया, और जौन सी डेट को ये हुआ है वो मैंने डेट के नीचे लिख दिया। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक सिंगल लाइन लगा दी। सो दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ जर्नल। इन दिस वीडियो वी स्टडीड द मीनिंग ऑफ जर्नल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल, फॉर्मेट एंड वन सिंपल एग्जाम्पल।